श्रेया का इंटरव्यू तो बहुत अच्छा हुआ, उसने सभी जवाब करेक्ट दिए। आई एम श्योर उसे एडमिशन मिल जाएगा, वरना हमें क्यों बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए। आई होप मधुरा को एडमिशन मिल जाए ताकि दोनों बच्चे एक ही स्कूल में हो। ये सिस्टम बड़ा अच्छा है, पेरेंट्स इंटरव्यू प्रिंसिपल खुद ले रही हैं ताकि उन्हें पता चले कि घर पर बच्चों की परवरिश कैसी हो रही है। क्या कर रही हो तुम? आई एम प्रेइंग। किस लिए? एडमिशन के लिए, और किस लिए? ओह, नंबर 126 मिस्टर एंड मिसेस संजय मल्होत्रा। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन प्लीज। थैंक यू। आपसे कहा गया था कि बच्चे की माता और पिता दोनों का आना बहुत जरूरी है, आप तो अकेले आए हैं। जी, सिमरन अभी 3 साल की भी नहीं हुई थी कि उसकी माँ ये दुनिया छोड़ के चली गई। ओह, आई एम सॉरी। इसका मतलब है आप अकेले ही बच्चे की परवरिश करते हैं, कोई गवर्नेस या आया या फिर? जी, इस मामले में मैं थोड़ा सा स्वार्थी हूँ, इसे गवर्नेस या आया रख के मैं सिमरन को पालने की खुशी बांटना नहीं चाहता। आई अंडरस्टैंड इट। मुझे पता चला है कि आपकी ट्रांसफर हुई है, इसीलिए आप सेकंड स्टैंडर्ड में एडमिशन लेना चाहते हैं। और सेकंड स्टैंडर्ड मतलब जाहिर है कि पढ़ाई बढ़ जाएगी, होमवर्क ज्यादा होगा, स्कूल की टाइमिंग्स भी तो बढ़ जाएंगी, ये सब अकेले मैनेज कर पाएंगे आप? सिमरन अगर और बच्चों की तरह होती तो शायद मैनेज नहीं कर पाता, लेकिन वो बहुत समझदार है, वक्त पे सोती है, वक्त पे जाती है, मेरी हर बात मानती है, कभी किसी चीज के बारे में जिद नहीं करती। और आपको शायद यकीन नहीं होगा मैडम, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं नहीं बल्कि वो मुझे पाल रही है। इट हैपेंस, बेटियों के साथ ऐसा ही होता है। क्या उम्र बताई आपने? 25 अगस्त 19। अच्छा, 7 साल की है? नहीं नहीं, 7 साल नहीं, वो अभी। सात साल? एक बात पूछूं मैडम, ये बेटियां इतनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं? जग जाओ, सुबह हो गई बेटे। मेले में खोई गुजरिया जिसे मिले मुझसे मिलाए, मेले में खोई गुजरिया जिसे मिले मुझसे मिलाए। मिल गई। Thank you.
थक गए पापा। हाँ बेटा आओ मैं आपको मेरे हाथ पे सुला दूं। अरे बाप रे बहुत सर्दी हो गई मेरी बेटी को। बेटा तू फिकर नहीं करा, अभी तेरे डॉक्टर मामा आएंगे ना, वो तुझे दवाई देंगे। कब आएंगे मामा जी? तुमने पुकारा और हम चले आए इलाज करने। कैसा है हमारा पेशेंट? क्या अविनाश, कितनी देर लगा दी तुमने, मेरी बच्ची तो सुबह से छींक रही है। पापा मेरे पास मत आना, नहीं तो आप भी ना बीमार हो जाओगे। अरे पगली तेरे पास नहीं आऊंगा तो जरूर बीमार हो जाऊंगा। मुफ्त में इलाज भी हो जाएगा, साला जो डॉक्टर है ना। अच्छा है ना? हाँ, ये क्या है? कार्ड है। कैसा कार्ड? मदर्स डे का कार्ड। आज मदर्स डे है ना, सभी बच्चे अपनी अपनी मम्मी को कार्ड देंगे, तूने नहीं लिया? ओह तेरी तो मम्मी नहीं है, सॉरी। पापा। हाँ बेटा। आपके लिए। To the world's greatest mother. ऐसी अच्छी माँ किसी के पास? Shareholders meeting post lunch? ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? 3 बजे से लेकर 5 बजे तक मीटिंग खत्म हो जाएगी। सर 5 से पहले 4:30 भी बजते हैं और 4:30 बजे तो मुझे अपनी बेटी को लेने स्कूल जाना पड़ता है। ओ हाँ, लेकिन तुम फिक्र मत करो, 4:30 बजे से पहले मीटिंग खत्म हो जाएगी। और अगर ना हुई तो? कैसे नहीं होगी, मीटिंग में एक ही तो पॉइंट डिस्कस करना है, प्रॉफिट पर। नहीं नहीं सर, प्रॉफिट पे नहीं सर, उसको तो बहुत देर हो जाएगी। आप मेरी मेरी बात सुनिए प्लीज। नथिंग डूइंग, नथिंग डूइंग। मीटिंग में तुम्हारा होना बहुत जरूरी है, कोई कुछ भी सवाल पूछ सकता है, जवाब तुम दे सकते हो। 4:30 बजे से पहले मैं तुम्हें जरूर फ्री कर दूंगा। वेल जेंटलमैन, मिस्टर मल्होत्रा के बिजनेस रिपोर्ट पढ़ने के बाद क्या आप इनसे कुछ पूछना चाहेंगे? यस मिस्टर गुप्ता। पिछले साल तक हमारा मुनाफा कुछ 30% से बढ़ता चला रहा है, लेकिन इस साल ये 10%, क्यों? क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स को विदेशी मार्केट से काफी भारी कॉम्पिटिशन फेस करनी पड़ी। तो क्या हमारा प्रोडक्ट विदेशी प्रोडक्ट से हल्का है? जी नहीं सर, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है। और वो कम कैसे की जा सकती है? मास प्रोडक्शन से। जहां हम अभी 5,000 पीसेस बनाते हैं, वहां अगर हमने 50,000 पीसेस बनाना शुरू कर दिया तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट कम हो जाएगी। तो हमारा प्रॉफिट कितने परसेंट बढ़ जाएगा, 4 या 4.5? 4.5। चलो चलो बेबी, सब बस वाला बच्चा लोग इधर चलो, चलो बेबी। अगर इस फिगर में आप डिप्रिसिएशन मिला दें तो आपको एक फाइनल फिगर मिल जाएगी, जिसमें आपको आपके प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस तय करने में आसानी होगी। वेरी गुड, दिस पॉइंट इज फिक्स्ड। अब अगला पॉइंट। जी वो रॉ मटेरियल वाला? सर टाइम स्कूल। ओहो मल्होत्रा, बहुत छोटा पॉइंट है, 10 मिनट में हो जाएगा। 10 मिनट? और अगर 10 मिनट में कुछ हो गया तो? इसे अगर बेच डालेंगे ना,
तो बहुत माल मिलेगा। चल। हाय बेबी, आइसक्रीम खाओगी? नहीं। तो फिर चॉकलेट लोगी? नहीं। क्यों? पापा ने कहा है किसी अनजान आदमी से नहीं तो कुछ लेना, नहीं उसे बात करना। अच्छा, पर तुमने तो हमसे बात कर ली है। हाँ। अब तो तुम्हें आइसक्रीम भी खानी ही पड़ेगी। चलो। सिमरन, सिमरन बेटी मैं आ रहा हूँ, बेटी बेटी मैं आ रहा हूँ, मेरी बेटी, मेरी स्कूल स्कूल, मेरी बेटी, बेटी, गुरखा गुरखा सिमरन कहाँ है? क्या बोला साहब? अरे मेरी बेटी सिमरन, वो रोज यहाँ पे खड़ी रहती थी और मैं उसको लेने आता था, वो कहाँ कहाँ है? अभी तो इधर नहीं है साहब। अरे हाँ वही, कहाँ गई वो? सब लड़की लोग चला गया, वो भी चला गया होगा। अरे नहीं, कैसे जा सकती है? मेरे अलावा कैसे जा सकती है? तुम्हारी प्रिंसिपल साहब हम गाड़ी लेकर अभी चला गया साहब। हाँ। ओह माय गॉड। हेलो इंस्पेक्टर साहब, आप गायत्री देवी गर्ल्स हाई स्कूल गए हैं? ओहो, मैं जानता हूँ आप गर्ल्स स्कूल में नहीं पढ़ सकते इंस्पेक्टर साहब, मेरे कहने का मतलब है आपने वो स्कूल देखा है? हाँ, वहाँ अभी भी एक लड़की किडनैप हुई है। हाँ, आप इमीडिएटली वहाँ आ जाइए। हाँ। मिले में कोई गुजरिया जिसे मिले मुझसे मिलाए। सिमरन ए गुरखा। सलाम साहब। अभी अभी तुमने पुलिस स्टेशन फोन किया था? कैसे करेगा साहब, तुम्हारा नंबर हमारे पास किधर है साहब? पापा, ये पुलिस हमारे स्कूल में क्या कर रही है? पता नहीं, मैंने थोड़ी बुलाई है। आजा, चल 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 चल। तुम हंस रहे हो, वहाँ मेरी जान पे बनाई थी। अरे हंसू नहीं तो क्या करूँ, तुम्हारा तो वही हाल है, कहीं बुखार न हो जाए पहले ही दवा खा लो। नहीं है मामा जी, अगर सचमुच मुझे कुछ हो जाता तो। एग्जैक्टली, कुछ समझते तो हो नहीं, ऐसे ही अपनी वर्डिक्ट पास कर देते हो। समझता कैसे नहीं? अरे समझता कैसे नहीं भाई, सब समझता हूँ। इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग छोड़ के वहाँ से भाग निकले जैसे ऑपरेशन की पूरी तैयारी होने के बाद पेशेंट भाग जाए। देख लेना, ऑफिस जाते ही मैनेजर तुम्हें डिस्चार्ज का नोटिस दे देगा। अच्छा ही होगा। मैं पूरा समय अपनी रानी पिटाई के साथ बिताऊंगा, है ना? यस पापा, मैं भी स्कूल से छुट्टी ले लूंगी। रॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन, रॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन। मामा जी, स्टैंड अप ऑन द बेंच एंड फिंगर ऑन योर लिप्स। क्यों 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 क्यों? आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो, कल मेरा इंग्लिश का टेस्ट है, मालूम है मुझे कितनी पढ़ाई करनी है? सॉरी सॉरी सॉरी। तुम्हारा प्रॉब्लम पता है क्या है? क्या? तुम कुछ ज्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव हो सिमरन के बारे में। थैंक यू। अरे दैट्स नॉट अ कॉम्प्लीमेंट। तुम जानते हो इसका नतीजा क्या होगा? बड़ी होकर वो इनसिक्योर फील करेगी, हर वक्त हर काम के लिए वो दौड़ी चली आएगी तुम्हारे पास। पापा पापा, पेंसिल का पॉइंट टूट गया। लो। अभी ठीक कर देते हैं, लाओ मेरे पास। ये देखो, ये यूं, ये यूं, ये यूं और ये यूं। ये लो। थैंक यू पापा। वेलकम स्वीटहार्ट। सिमरन की माँ याद आ गई। जब हम दोनों छोटे थे तब वही मेरी पेंसिल शार्पन किया करती। उम्र में मुझसे छोटी थी लेकिन समझ में इतनी बड़ी थी कि मैं उसे दीदी कहा करता था। दीदी, बहुत जल्दी थी उसे बड़ी होने की, छोटी उम्र में हम सबको छोड़ के चली गई। 4 साल हो गए, 4 साल। संजय, वक्त एक ऐसी दवा है जो गहरे से गहरे जख्म को भर देता है, इसलिए अब निसंकोच होकर मैं तुम्हें वो सलाह देना चाहता हूं जो मुझे तुम्हें पहले ही देनी चाहिए थी। तुम शादी कर लो संजय। क्यों? तुम अभी जवान हो, तुम्हें साथी मिल जाएगा, तुम्हारी जिम्मेदारियां बढ़ जाएगी, सिमरन को मां मिल जाएगी। सौतेली मां, सिमरन के लिए मैं सौतेली माँ लाऊं, फिर सौतेला भाई, सौतेली बहन, नहीं नोबे,
इट्स इम्पॉसिबल। लेकिन संजय, एक अकेला आदमी घर नौकरी दोनों कैसे संभाल सकता है? हाँ, एक हो सकता है, सिमरन को किसी हॉस्टल में। अरे कैसे मामा हो तुम? देखो, ना ही मुझे सिमरन के लिए सौतेली माँ की जरूरत है और ना ही मैं उसे हॉस्टल भेजूंगा अपने से दूर, समझे? दूर तो उसे तुमसे होना ही होगा संजय, वो तुम्हारी बेटी है और एक ना एक दिन बेटी को अपने पिता का घर छोड़कर जाना ही पड़ता है अपने ससुराल। नो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैंने तो डिसाइड कर लिया है, सिमरन के लिए मैं घर जवाई लाऊंगा, वो भी यही रहेगा हमारे साथ। बेटी तो मेरी है ही, बेटा भी मिल जाएगा। सर आप? हाँ मैं। बात ही कुछ ऐसी है कि इस वक्त मुझे तुम्हारे पास आना पड़ा। क्या बात है सर? बेटी को ले आए? जी। बहुत फिक्र थी ना उसकी तुम्हें, सबने नोटिस किया, सबने, हर एक डायरेक्टर ने, हर एक ने अपने अपने कमेंट्स भी दिए। क्या कमेंट्स दिए सर? वही बताने तो आया हूं। संजय मल्होत्रा, तुम्हें अपने पोस्ट से इस्तीफा देना होगा। मैंने कहा था ना, मैंने कहा था। और ये रहा तुम्हारा नोटिस, लो पढ़ लो। सर, सर ये तो मेरा लेटर ऑफ प्रमोशन है। ए, मेरी तरक्की हो गई। तो तुमने क्या समझा, इतने जिम्मेदार आदमी को हम अपनी कंपनी से निकाल देंगे? नहीं, नेवर। अरे भाई, शेयर होल्डर्स का तो ये कहना है कि जो आदमी अपनी बेटी के बारे में इतना सोचता है, कंपनी के बारे में कितना सोचता होगा। इसलिए उन्होंने खुश होकर हमारी कंपनी में और पैसा लगाने की ठान ली है। हाँ? और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने तुम्हारी तरक्की कर दी है संजय मल्होत्रा, अब तुम ब्रांच मैनेजर हो गए। ब्रांच मैनेजर? ब्रांच मैनेजर? हाँ, और अब कंपनी की तरफ से तुम्हें एक गाड़ी भी मिलेगी और एक बंगला भी मिलेगा। कांग्रेचुलेशंस पापा। माय स्वीटहार्ट बेटा, थैंक यू वेरी मच। ये सब तेरी वजह से हुआ है। I love you. I love you. I love you. Hey, ऐसी भी क्या जल्दी है, ऐसी भी क्या जल्दी? ऐसी भी क्या जल्दी है, ऐसी भी क्या जल्दी? अरे ऐसी भी क्या जल्दी है, ऐसी भी क्या जल्दी? हमको तो मिलके संग जीना है अपने रंग, अपना तो हर मौसम है अपनी बहार। ऐसी भी क्या जल्दी है, ऐसी भी क्या जल्दी? ऐसी भी क्या जल्दी है, ऐसी भी क्या जल्दी? हमको तो मिलके संग जीना है अपने रंग, अपना तो हर मौसम है। ऐसी भी क्या जल्दी है, ऐसी भी क्या जल्दी? अरे ऐसी भी क्या जल्दी है, ऐसी भी क्या जल्दी? तेरे बचपन के साथ जी भर के मैं ना खेला, वो देख तेरा गुड्डा बेचारा रोए पड़ा अकेला। अभी तोर तेरे बचपन के साथ जी भर के मैं ना खेला, वो देख तेरा गुड्डा बेचारा रोए पड़ा अकेला। बड़ी हो गई तो मैं क्या करूं, ये है अजब सवाल, इसमें क्या है मेरा कसूर, पापा तुम भी हो कमाल। माना यूं होता है पर ये क्या मौका है, बेटा भी इतनी भी क्या दावा है यार।
ऐसी भी क्या जल्दी है, ऐसी भी क्या जल्दी, ऐसी भी क्या जल्दी है, ऐसी भी क्या जल्दी। मेरे संग भी है सवार, बुड्ढा बन जाता हूँ मैं भी तो आ, अब तू मुझे संभाल। माना यूँ होता है बनने क्या मौका है, बेताबी कितनी भी क्या ताबा है यार। ऐसी भी क्या जल्दी है, ऐसी भी क्या जल्दी, ऐसी भी क्या जल्दी है, ऐसी भी क्या जल्दी। हमको तो मिलके जीना है अपने रंग, अपना तो हर मौसम है अपनी बहार। ऐसी भी क्या जल्दी है, ऐसी भी क्या जल्दी, अरे ऐसी भी क्या जल्दी है, ऐसी भी क्या जल्दी, ऐसी भी क्या जल्दी है, ऐसी भी क्या जल्दी, ऐसी भी क्या जल्दी है, ऐसी भी क्या जल्दी, ऐसी भी क्या जल्दी है। अरे रे, इसको जरा आराम से उठाओ, बॉक्स खुल ना जाए नीचे से, कांच का सामान है इसमें भाई। धीरे धीरे, हाँ नीचे वाले कमरे में रख दो और पीछे का सामान पीछे रहने दो, बाद में। हाय नेबर। हेलो, मेरा नाम निशा है, तुम्हारा? जी सिमरन, सिमरन मल्होत्रा। सिमरन, बड़ा प्यारा नाम है। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, सिमरन का मतलब है याद करना, राइट? बिल्कुल सही नाम है, जो भी तुम एक बार देख ले भूल नहीं सकता। अच्छा, और कौन कौन है तुम्हारे घर में? जी बस मैं और मेरे पापा। ओ, हम भी दो हैं, मैं और मेरा बेटा लॉन्जी। लॉन्जी कम हियर। यस मम्मी। अपनी नई नेबर से मिलो, सिमरन। हाय। हाय प्ले। लॉन्जी अभी नहीं, पहले आप और मम्मी मिलके घर का सारा सामान अरेंज करेंगे, है ना? राइट मम्मी। सिमरन प्ले कभी। मैं कुछ लाऊं आपके लिए, चाय कॉफी या? नो थैंक यू, नॉट इन पहली मुलाकात, आगे तो ये चलता ही रहेगा। थोड़ी शक्कर दे दो, थोड़ा नमक दे दो, थोड़ा दूध दे दो। और कुछ लेंगे पापा? नहीं बस बस, तू एक काम कर, सब रख दे अंदर, हमें जल्दी भी तो जाना ना बेटा। लॉन्जी, 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 क्या हुआ? मम्मी, अंकल ने मारा। अरे नहीं नहीं, झूठ बोल रहा है ये, मैंने कब मारा तुम्हें? मैं बताती हूँ निशा जी, इस ड्रामे का कर्टन रेजर है ये बॉल। लॉन्जी बाबा क्रिकेट खेल रहे थे, एक मारा सिक्सर और तोड़ दिया हमारी खिड़की का काम। एग्जैक्टली, लेकिन मैंने इसे कुछ नहीं कहा, अब भाई बच्चा है, हो जाती है गलती। आई एम सो सॉरी लॉन्जी, आई टोल्ड यू टू बी केयरफुल, अगर किसी को लग जाती तो। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। लॉन्जी से सॉरी टू अंकल। सॉरी? अरे इट्स ओके, आप भी क्या, तुम शाम को मिलना बेटा, आई विल टीच यू द गेम। थैंक यू सो मच मिस्टर। ये है मेरे पापा मिस्टर संजय मल्होत्रा एंड शी इज अ न्यू नेबर निशा जी, और ये है उनका बेटा लॉन्जी। ग्लैड टू मीट यू बोथ। और लॉन्जी के पापा? वो अभी इस दुनिया में नहीं है,
दो साल पहले एक कार एक्सीडेंट में वो हमें छोड़ के चले गए, तब से मैं ही मम्मी को लुक आफ्टर करता हूँ। जिंदगी को तो चलते ही रहना है संजय जी, सच्चाई कितनी भी कड़वी क्यों ना हो उसका सामना तो करना ही चाहिए, और वो भी हंस के। यही हम दोनों ने तय किया है ना लाल जी? आप लोग अंदर आइए ना, चाय कॉफी लीजिए। नहीं नहीं अभी नहीं, मुझे ऑफिस जाने में देर हो रही है, और प्लस सिमरन को कॉलेज भी तो जाना है। मम्मी चलिए ना, हम भी चलते हैं बुक्स लेने। जाएंगे बेटा, लेकिन गाड़ी को तो आ जाने दो गैराज से। कहाँ से बुक्स लेनी है? जू बुक सेंटर से। हाँ हाँ, वो तो मेरे कॉलेज के बहुत पास में है, पापा हमें छोड़ देंगे, है ना पापा? इट्स माय प्लेजर। एक बात कहूँ संजय जी? हाँ जी। आई एम श्योर आपका घर बहुत खूबसूरत है। I can just see it, you know. Everything in its proper setting. खूबसूरती के साथ साथ यूटिलिटी, सादगी के साथ साथ एक स्टाइल। कुछ भी फजूल नहीं होगा आपके घर में, है ना? और कलर कॉम्बिनेशन भी बिल्कुल सबड्यूड से हल्के फुल्के, लाइक व्हाइट, ग्रे, सी ग्रीन, स्काई ब्लू, है ना? That's right. आपको कैसे पता? खिड़की से झांक के देखा था मैंने। आप तो हैरान हो गए, मैं मजाक कर रही हूँ। ये मेरा काम है एक्चुअली। अच्छा? लोगों के घर सजाना। आप इंटीरियर डेकोरेटर हैं? वाओ, दैट्स इंटरेस्टिंग। यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग? हां, तो तुम क्यों नहीं कर लेती है काम? नहीं, सिमरन कहां करेगी ये सब काम? नहीं नहीं नहीं, व्हाई नॉट? कमाल करते हैं आप संजय जी। देखिए, दो ही बातें हैं इस काम में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है खूबसूरती और दूसरी अकलमंदी, और दोनों है सिमरन में। शी इज अ नेचुरल ब्यूटी, देखने वाले तो देखते ही रह जाते होंगे। In fact, कॉलेज में I'm sure लड़के देखते ही नहीं छेड़ते भी होंगे। लड़की है क्या रे बाबा, इसकी अदा रे बाबा, सिमरन हम तेरे दीवाने हैं। क्या हुआ पापा? मेरा कॉलेज तो पीछे रह गया। क्या हुआ संजय जी? जी वो क्या है कि वो अंकल अंकल क्या मस्त ब्रेक लगाई है। अच्छा पापा, हम यही उतर जाते हैं। हाँ। आइए निशा जी। एक एक मिनट, सिमरन सिमरन। हाँ पापा। पापा मुझे तुमसे कुछ कहना है। देखो बेटे, आजकल जमाना बड़ा खराब है, जितना हो सके लड़कों से दूर ही रहना। मैं तो ये कहता हूँ कि जहाँ लड़के नजर आए वहाँ जाना ही नहीं, बैक डोर से जाना कॉलेज में। यू विल बी सेफ, यू नो पापा। आई कैन टेक केयर ऑफ माय सेल्फ, अब मैं बच्चे थोड़ी हूँ। सिमरन, बच्चे जितने भी बड़े हो जाए ना, माँ बाप के लिए बच्चे ही रहते हैं, है ना? ओके माँ बाप, अब मैं जाऊँ, मुझे देर हो रही है। ओके बच्चा, बाय। चलो जी, बाय संजय जी। सिमरन मल्होत्रा, सिमरन मल्होत्रा जी, आपके लिए किसी आदमी का फोन है, बहुत घबराया हुआ लगता है। पापा? हाँ हेलो सिमरन, मैं बोल रहा हूँ। क्या हो पापा, आपने फोन क्यों किया? तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ वेरी गुड। अच्छा सुनो बेटा, मैं कुछ काम की वजह से, जरूरी मीटिंग की वजह से मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा। तुम टैक्सी पकड़ कर अकेली घर चली जाओगी? हाँ मैं चली जाऊंगी। अरे क्या चली जाऊंगी, इतना आसान है क्या? एकदम देख के टैक्सी लेना, और टैक्सी वाले के बाल सफेद होना बहुत जरूरी है, और टैक्सी का नंबर नोट करके रखना, नहीं किया तो भी चलेगा। और टैक्सी एकदम घर के दरवाजे के पास जाकर रोकना, और छुट्टे पैसे है तुम्हारे पास बेटा? हाँ तो छुट्टे पैसे बिल्कुल अलग निकाल कर रखना, ताकि इमीडिएटली दे दो, ज्यादा देर मत लगाना। एक इंपॉर्टेंट बात एकदम कान खोल कर सुनो, पहले दरवाजा बंद करना और फिर घर के अंदर जाना। हाँ मेरा मतलब है घर के अंदर जाते ही दरवाजा बंद कर लेना है। ओके पापा, आप जल्दी आ जाना। हाँ बच्चा, आई लव यू बेटा, टेक केयर। हाँ हेलो हेलो, तुमने फोन क्यों नहीं किया? अभी अभी जो आई हूँ। तुम्हारी सांस इतनी फूली हुई क्यों है? भाग के जो आई हूँ दरवाजे से आपका फोन उठाने। अरे अरे गिर जाती तो। अच्छा सुनो, दरवाजा बंद कर लिया ना? हाँ बंद कर लिया। हाँ और खिड़कियाँ भी लॉक कर लेना सब, और मुझे थोड़ी देर और हो जाएगी। What is this पापा, इतनी देर क्यों? क्या करूँ बेटा, मीटिंग अभी तक खत्म नहीं हुई, मीटिंग के बीच से तुम्हें फोन कर रहा हूँ। अपना ख्याल रखना, किसी अहरे गहरे के लिए दरवाजा नहीं खोलना। ओके पापा। हाँ जल्दी आऊंगा बाबा। हाँ बच्चा। हाँ बेटा, बाय पापा। कौन हो तुम लोग? हाय सिमरन, इन दोनों के मैं आई हूँ, टूटा हुआ कांच फिक्स करने के लिए। कहाँ है कांच? मम्मी मम्मी, ये वाला कांच। भैया खिड़की का नाप ले लो और गाड़ी से कांच निकाल लो। इसकी क्या जरूरत है? आई मीन पापा तो। हाँ इट्स नो प्रॉब्लम एट ऑल, वैसे भी तो मेरी साइड पर काम चल ही रहा है, वहाँ कांच भी है, वर्कर्स भी हैं,
और जब तक तुम और मैं गर्मा गर्म कप कॉफी का पियेंगे काम हो जाएगा। कॉफी पिलाओगी ना? जी ऑफ कोर्स, मैं अभी लाई। आइए ना निशा जी। ओ कॉफी। तुम्हारे पापा नहीं आए अभी तक? दरअसल आज वो लेट आने वाले हैं। तो फिर तुम क्या कर रही हो अकेली घर में? मेरे साथ चलो। कहाँ? आज मेरे क्लाइंट मिस्टर मेहरा की हाउस वार्मिंग पार्टी है। नहीं नहीं, मैं कैसे आ सकती हूँ? Why not? It's not informal anyway. उनका बंगला मैंने डेकोरेट किया है। तुम देखोगी तो तुम्हारी ओपिनियन भी मिल जाएगी मुझे। I'd love to, मगर पापा के बिना। I know, पापा। What a game, Simran. Let's play. Good idea. Very bad idea. अभी घर जाना है, तैयार होना है, फिर मेरे अंकल की पार्टी पर जाना है कि नहीं? मुझे नहीं जाना किसी पार्टी वार्टी में। Excuse me. What do you mean पार्टी पर नहीं जाना तुम्हें? मम्मी please. Hello. ये आवाजें कैसे आ रही हैं? सुबह जो खिड़की टूट गई थी ना पापा, उसी में कांच बैठा रहे हैं वर्कर्स। क्या बात कर रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम अकेले घर में हो, तुम्हें वर्कर्स को अंदर आने दिया? ओहो, कब अकल आएगी तुम्हें, कब अकल आएगी? बेटा आजकल जमाना बहुत खराब हो गया है, इट्स वेरी डेंजरस। तुम अभी इसी वक्त उन सबको घर से बाहर निकाल दो। लिसन लिसन टू मी पापा, मैं अकेली नहीं हूँ यहाँ पर। इनफैक्ट लॉन्जी और निशा जी भी हैं, वही तो वर्कर्स को लाए अपने साथ। कौन निशा? अच्छा अच्छा, वो निशा जी, तो पहले बताना था ना बेटा। अच्छा तुमने दूध पी लिया? अभी नहीं। अरे तो कब दूध पियोगी तुम, खाने का टाइम हो जाएगा। अच्छा मैं डिनर के लिए घर पे आ रहा हूँ, साथ में खाएंगे। हाँ ठीक है पापा। पापा का फोन था। I know. Come on, Simran, let's start. Okay. नहीं बेटा, घर जाना है, पार्टी के लिए तैयार होना है, come on. ओफो मम्मी, के जाना, मैं क्या करूँगा उधर? आप जाइए ना, मैं ये खेलूंगा सिमरन के साथ। रहने दीजिए ना इसे, पापा भी पता नहीं कब आएंगे, मेरी भी कंपनी हो जाएगी। Come on, Simran, let's start. Okay. कमाल है, आप दोनों ने आपस में डिसाइड भी कर लिया। हाँ एनीवे, मैं मिस्टर मेहरा का फोन नंबर यहाँ छोड़कर जा रही हूँ। ओके, हियर इट इज, जस्ट इन केस। बाय। नो एक्शन, नो रिएक्शन। मेरा कॉल कट गया। ग्रीन। दैट वाज रियली इंटेलिजेंट। थैंक यू। भाई निशा जी, क्या बात है, मेरा साहब कहीं नजर नहीं आ रहे। वो मेरे कोल्ड ड्रिंक लेने गए हैं, मैंने बहुत मना किया लेकिन इंसिस्ट करने लगे, माने ही नहीं। सॉरी। वाओ, ब्यूटीफुल। लगता है मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है। लगता तो मुझे भी कुछ ऐसा ही है हैंडसम। इसे कहते हैं पहली नजर में प्यार, लेकिन अब बात थोड़ी और आगे बढ़नी चाहिए, है कि नहीं? इसलिए मैं आप दोनों का तारुफ कराती हूँ। ये है मिस्टर अजीत मेहरा और इनसे मिले ये है मिसेस पूनम मेहरा। यू मीन माई वाइफ? यस, आपकी इकलौती वाइफ, इस घर की इकलौती मालकिन, आपके इकलौते बेटे की इकलौती माँ। आई डोंट बिलीव इट। निशा, तुमने घर के डेकोरेशन के साथ साथ कहीं इसका भी डेकोरेशन चेंज कर दिया क्या? यू खुद को देखो, ऐसे डेकोरेट हुआ जैसे कोई बर्थडे केक हो। थैंक यू डार्लिंग। निशा, एक बात का फैसला तुम्हें ही करना होगा। अगर तुम्हारी नजर में इस पार्टी में सबसे खूबसूरत औरत मेरी बीवी है तो तुम्हें मेरे हाथ से ड्रिंक लेनी होगी। अगर मेरा हस्बैंड इस पार्टी में सबसे हैंडसम है तो ये ड्रिंक मेरे हाथ से लोगी। अब ये तो बड़ी गंभीर समस्या हो गई भाई। लेकिन इन दोनों ड्रिंक्स को मिलाकर जो तीसरी ड्रिंक बनी है वो कहाँ है? मतलब आई मीन इस पार्टी की रौनक, द मोस्ट हैंडसम एलिजिबल बैचलर इन टाउन, आपका बेटा विक्रम। टाय 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 नक नक की टाय, टाय 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 नक नक की टाय, ये वाली टाय या वो वाली टाय, कौन सी टाय पहनूं कौन सी टाय, टाय 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 नक नक की टाय, टाय 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 नक नक की टाय, ये वाली टाय पहनूं कौन सी टाय, ये वाली टाय, ये वाली टाय, ये वाली टाय, ये मैच करेगी परफेक्टली। थैंक यू निशा जी, अब आपने बोला है तो जरूर मैच करेगी। यू आर राइट, अब जल्दी से तैयार हो जाओ क्योंकि सब लोग तुम्हारा नीचे इंतजार कर रहे हैं। आप चलिए, मैं हूं ही आया। एक मिनट निशा जी, निशा जी एक बात पूछनी थी आपसे। आपने मेरा कमरा तो बहुत अच्छा डेकोरेट किया है लेकिन ये खाली फोटो फ्रेम नहीं समझ में आया मुझे। ये खाली इसलिए है कि तुम अपनी मनपसंद तस्वीर इसमें भर दो। अब मुझे क्या मालूम तुम्हारे दिल में कौन सी तस्वीर है। हाँ, अगर वो तस्वीर तुम मुझे दे दो मैं भर देती हूँ। वही तो प्रॉब्लम है निशा जी, अभी तक ऐसी कोई तस्वीर मिली नहीं मुझे। झूठ मत बोलो, भला हमारे विक्रम के लिए लड़कियों की कमी? डोंट टेल मी तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में एक भी खूबसूरत लड़की नहीं है। लड़कियां तो है निशा जी, बहुत है, मगर वैसी नहीं जैसी मुझे चाहिए। एक ऐसी लड़की जिसके दिल की खूबसूरती उसकी अखा में झलकती हो, जिसे जिसे रब ने बनाया हो, जो छूने से ही मैली हो जाए। इतनी सोनी कि दिल करे देखता रहा। ओहो लॉन्जी मत रो, लॉन्जी चुप हो जा, मुझे सोचने तो दे। अच्छा 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 बाबा, मैं फोन फिर से ट्राई करती हूँ। मुझे वापस जाइए।
कोई तो फोन उठाओ प्लीज। मुझे मम्मी चाहिए, मुझे मम्मी चाहिए। चुप। क्या चुप? मम्मी 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 मुझे मम्मी चाहिए, मुझे मम्मी चाहिए, मम्मी मम्मी मुझे मम्मी चाहिए। 1 and 7 देखिए मैं आपको एक नंबर देती हूँ, मुझे प्लीज उसका एड्रेस दे दीजिए। बस 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 यही रोक दीजिए। लॉन्जी 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 एक मिनट मैं अभी आती हूँ। लॉन्जी 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 मत रो लॉन्जी लॉन्जी, अच्छे बच्चे नहीं रोते। लॉन्जी बेटा, लॉन्जी बेटा, क्या हुआ? आपकी बॉल याद आ रही थी। लेकिन तुम्हें अकेले? थैंक गॉड, ये चुप तो हुआ। रो रो के इसने सारा घर सर पे उठा लिया था। आई एम सॉरी, मुझे इसे यहाँ लाना ही पड़ा। इट्स ओके बेटा, कोई बात नहीं। कम मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस कराती हूँ मिस्टर एंड मिसेस बेहरा से। ये है सिमरन, मेर नेबर। हेलो। हो आई सी, यानी कि पूनम, ये मेरी गर्लफ्रेंड की पड़ोसन है। इनकी बातों का बुरा मत मानना, ये इनकी बचपन की आदत है। Come on. लेकिन तुम लॉन्जी की बेबी सिटिंग कैसे कर रही थी? तुम तो खुद इतनी प्यारी सी नन्ही सी बच्ची हो। ऐसे कैसे जा सकती हो? बेटे कुछ खा लो। जी मैंने खा लिया। कब? घर पर। लॉन्जी ने भी खा लिया। अच्छा तो मैं चलती हूँ, मेरी रिक्शा वेटिंग है। बाय लॉन्जी। बाय बाय बाय। जा रही हो? हाँ मैं जा रही हूँ। अगर मैं ना जाने दूँ तो? क्यों नहीं जाने दोगे? वो तो तुम्हें तभी पता चलेगा जब तुम यहाँ रुकोगी। देखो मुझे जाने दो, मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं। यू हैव अ पॉइंट। मेरा नाम विक्रम मेहरा है, मैं एक पढ़ा लिखा शरीफ लड़का हूँ। अभी तुम जिससे बात कर रही थी वो मेरे मम्मी डैडी हैं। मैं इसी घर में रहता हूँ और निशा जी वो मुझे बहुत अच्छी तरह से जानती है। अब हो गई ना जान पहचान, अब तो रुक जाओ। अच्छा रुक गई, अब बोलो। अब मैं तुम्हें एक बहुत ही जरूरी बात कहना चाहता हूँ। क्या? क्या? तुम बहुत सोनी हो। सोनी? हाँ सोनी, ब्यूटीफुल, सुंदर, हसीन। यकीन नहीं आता, लो पूछ लो किसी से। चलो। हे फोक्स, Attention please, अपने दिल पे हाथ रखिए और सच कहिए। Isn't she beautiful? है कि नहीं है charming? सोनी है ना? कितनी सोनी है ये, रब ने बनाया हो इतनी सोनी। Statue, wait, रोको, stop her. बनाया कितना सोना तुझे रब ने बनाया, दिल कर देखदा रवा कितना सोना तुझे रब ने बनाया। दिल माने न लख समझाया, दिल माने न लख समझाया, दिल कर देखदा रवा कितना सोना तुझे रब ने बनाया। सरगरे सरे सरगरे खसा, सरगरे सरे सरगरे खसा, सरगा सरे का पदरा भगा पदा भगा पगरे गरे सदा किन्ना सोना तुझे रब ने बनाया। दिल कर देखदा रवा किन्ना सोना तुझे अपने बनाया। Get me! Get me!
तुझे दिल वाले शीशे में सजाया, तुझे दिल वाले शीशे में सजाया, दिल करे देखदा रवा कितना सोना तुझे रब ने बनाया। सारे गपा दा पदा पगरे सारे सारे गपा दा पदा पगरे सारे सारे गपा सारे गपा छुपाया तुझे अखियों से दिल में छुपाया, दिल करे देखता रवा कितना सोना तुझे रब ने बनाया। दिल माने न रख समझाया, दिल माने न रख समझाया, दिल करे देखता रवा कितना सोना तुझे रब ने बनाया, किन्ना सोना तुझे रब ने बनाया, किन्ना सोना 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 सोना। साहब आप उनका पैसा। सिमरन, सिमरन दरवाजा खोलो, सिमरन मैं पापा। देखा मैं लेट हो गया, बेचारी सो गई, और एक बस सो गई तो फिर जगना बहुत मुश्किल। सिमरन, 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 पापा घर पे नहीं थे, तुम इतनी रात के बाहर गई थी। अरे मैं पागल हूँ की तरह यहाँ बेल मार रहा हूँ, सिमरन सिमरन करके चिल्ला रहा हूँ, दीवाने की तरह दरवाजा पीट रहा हूँ मैं, और तुम घर पे थी नहीं, तुम घर पे थी नहीं। अरे मैं फोन करके अभी फायर ब्रिगेड वालों को बुलाने वाला था ताकि खिड़की तोड़ के अंदर जा सकूं, तुम्हें जगाऊं, तुम्हें खाना खिलाऊं, तुम घर पे थी नहीं। तुम कहाँ गई थी, कहाँ गई थी, क्यों गई थी तुम? सॉरी पापा। एक्चुअली सॉरी तो मुझे कहना चाहिए संजय जी, मैं लॉन्जी को सिमरन के पास छोड़कर पार्टी पर चली गई थी। जब लॉन्जी मेरे लिए रोने लगा तो सिमरन लॉन्जी को लेकर मेरे पास आ गई। आपके साथ थी ये? अरे तो पहले कहा क्यों नहीं मुझे? आपने मुझे कहने का दिया, इतना डांटा मुझे। मैंने कहा डांटा तुम्हें? तुम्हारे पापा ने तुम्हें डांटा थोड़ी ना पगली, वो तो तुम्हारे पापा का प्यार है तुम्हारे लिए। पहली बार बाप और बेटी ने इतना प्यार देखा है। God bless you both. I think I'm getting emotional. I better go. Bye. आ बेटा। Good morning विक्रम। Good morning पापा। अरे यार नीचे का फोन खराब हो गया। मैं पापा 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 please please please। क्यों? किसी का फोन आने वाला है? उम्मीद तो है। नहीं आएगा। मतलब? मेरी रीडिंग कहती है कि सिमरन तुम्हें फोन नहीं करेगी। सिमरन नाम है उसका? सिमरन मल्होत्रा। या निशा जी की नेबर है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो कब का निशा को फोन करके सिमरन के साथ डेट भी फिक्स कर चुका होता। ओ हाँ
ओ पापा यू आर ग्रेट। नॉट ग्रेट, जस्ट योर पापा। तुझे पता है तेरे इस पापा को भी तेरी मम्मी से पहली नजर में प्यार हो गया था। ओ पापा, और रोमांटिक। लेकिन उसके बाद हमने एक दूसरे को परखा, जाना, तभी तो इस प्यार की बुनियाद इतनी मजबूत बन पाई। मैं जानता हूं मेरा बेटा जो कुछ भी करेगा सही करेगा, लेकिन फिर भी तुम्हें अपने पापा को अपने प्यार का विश्वास देना पड़ेगा। हुँ? मैं आपको अपने प्यार का विश्वास दूंगा। अब आप मुझे निशा जी का नंबर दीजिए। हेलो। हेलो निशा जी, मैं विक्रम। हाँ विक्रम, हाउ आर यू? निशा जी, मुझे आपसे छोटा सा काम था। हाँ हाँ बोलो। मुझे सिमरन का फोन नंबर चाहिए। ओह, वो तो मैं नहीं दे सकती, आई एम सो सॉरी। गलत होगा ना निशा जी, प्लीज। तुम ऐसा करो ना, उससे खुद मिल लो, नंबर मांगो। अब वो नंबर दे ना दे उसकी मर्जी। तो क्या मैं उसके घर जाऊं? नहीं नहीं, घर मत जाना, वो घर पे है नहीं वैसे भी। वो गई है, हाँ उसे मैंने पास के रेनबो स्टोर्स पर भेजा है कुछ रंग लाने के लिए। थैंक यू निशा जी, आपने तो सही में मेरी जिंदगी में रंग भर दिया है। सिमरन, सिम, हाय। हाय। बिजी हो? नहीं, हो गया, आइए बैठिए। नहीं नहीं, मैं जल्दी में हूँ। एक्चुअली सिमरन, क्या है ना कि मेरे पिंक क्रेयॉन्स खत्म हो गए हैं, और जिस बंगले के डेकोर का मैं स्केच बना रही हूँ ना, उसकी नर्सरी हैज टू बी इन पिंक। तुम मेरे लिए पिंक क्रेयॉन्स ले आओगी? मैं खुद चली जाती, लेकिन अगर मैं स्केच बीच में छोड़कर चली गई तो सारा स्केच मेरे दिमाग से उतर जाएगा। मैं जाती हूँ ना। सो नाइस ऑफ यू। रेनबो स्टोर से लाना, पास में है, यू नो इट। मुझे पता है, मैं अभी जाती हूँ। रेनबो स्टोर। अरे सिमरन, मेरी अंडरवेयर नहीं मिल रही है वहां पर, एक भी नहीं मिल रही है। जा जा के नीचे से लेके आ जल्दी अंडरवेयर। अरे भाई जा जाके अंडरवेयर। आप गुड मॉर्निंग संजय जी। गुड मॉर्निंग सिमरन, कहाँ है? उसे मैंने रेनबो स्टोर्स भेजा है मेरे लिए क्रेयॉन्स लाने के लिए। हाँ ये रेनबो स्टोर्स, आज तो मार्केट बंद है और आपने उसे अकेले भेज दिया, कमाल करती है आप। मैं उसे लेके आता हूँ। ऐसे जाएंगे आप? नहीं, ऐसे कैसे जा सकते हैं? आप क्या जाते हैं? मैं चली जाती हूँ, उसको ले आती हूँ, डोंट वरी, आई विल ब्रिंग हर बैक। प्लीज प्लीज जल्दी जाइए जल्दी। हे भगवान, अकेली गई है, अब क्या होगा? यहाँ तो सारी दुकानें बंद हैं। माचिस है बेबी? नहीं है, मेरे पास तो माचिस नहीं है। झूठ मत बोलो बेबी, तुम्हारे पास तो वो माचिस है जिससे तुम हम सबको जला सकती हो। मैं क्यों जलाऊंगी तुम सबको? अब इतना भी मजबूर हमें मत करो बेबी कि हमें तुम्हारी तलाशी लेनी। देखो पड़े? मुझे है? जाने दो। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी बेबी, अब तलाशी कहां से शुरू की जाए? शर्ट की जेब से या पैंट की जेब से? एक्सक्यूज मी, क्या हो रहा है? मैं आप लोगों की कुछ मदद कर सकता हूं क्या? हवा आने दे चल। अरे तो हवा के साथ मुझे भी आने दो यार। अरे अरे सोनिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यार तुम्हें दिख नहीं रहा, इन लोगों ने मुझे पकड़ के रखा है। अरे जाओ यार, बात करने दो, जाओ। एक बात बताओ तुम, कल तुम पार्टी से बिना बोले क्यों चली आई? मैं तुम्हारे फोन का कितना इंतजार करता रहा। अरे जानती हो मैं कितनी कोशिश करता रहा तुमसे मिलने की, पूरे 18 घंटे 24। अरे यार तुमने मुझे अपना टेलीफोन नंबर ही नहीं दिया, क्या तुम्हारा टेलीफोन नंबर? अरे कमाल आदमी है यार, पेन गिरा दिया मेरा। अरे जरा पेन देना यार। अरे पेन देना यार, सॉरी यार सिमरन। हाँ क्या नंबर है तुम्हारा? विक्रम। यस डार्लिंग। विक्रम ये लोग तुम्हें मार रहे हैं। कौन मार रहा है? ये लोग तुम्हें मार रहे हैं, तुम्हें पता नहीं चल रहा? तुम पास होती हो ना तो मुझे कुछ पता नहीं चलता, लेकिन तुम इन लोगों को मारो। मारू? हम्म, तुम बोलो ना सोनी, तो मैं सारे जहां को मारू।
थैंक यू। किस लिए? तुमने मुझे बचाया है ना, इसलिए। तो क्या हुआ, आई लव यू। और फिर अगर तुमने मुझे थैंक्स ही करना है तो किस दे दो। व्हाट? हाँ किस, ऐसे। यू तुम क्या हुआ सिमरन? बदतमीज फ्लर्ट, मैं तुम्हें क्या समझती थी और तुम क्या निकले? क्या छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। निशा जी, ये निशा जी, आई लव हर। इसने तुम घर चलो, तुम्हारी डैडी बहुत वरिड है वहाँ पर। लेकिन ये ओहो, अभी नहीं, तुम्हारे डैडी वरना यहाँ आ जाएंगे, डैडी आ जाएंगे, चलो चलो। ये तो खामखा गुस्सा हो गई। आई एम स्टिल टेलिंग यू, तुमने लंबी रिफिल लाई है, उसमें नहीं फिट होगी उस पेन में। पापा मुझे ट्राई तो करने दो। हाँ करो ट्राई। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि तुमको चलती गाड़ी में ये सब कुछ क्यों करना होता है। देखा देखा, आ गया ना फिट। हाँ, आगे फिट। अब स्प्रिंग कहाँ गया? वो देखो नीचे। हाँ मिल गया। क्या हुआ? नहीं ये वो पेन नहीं चल रहा था। हाँ तो चल जाएगा। अरे क्या गिरा दिया? चल चल चल। नहीं नहीं रहने दो। अरे रहने क्या दो, पेन है वो, मैं जाके लिखाता हूँ। कहाँ गया? यही कहीं होगा। ये मिल गया। अरे सिग्नल चालू हो गया। अरे चल चलो चलो जल्दी 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 करो। आपका स्टेशन आ गया। बाय पापा। बाय बेटा। पापा? हाँ क्या हुआ? पापा आपने इस्त्री तो बंद कर दी थी ना? इस्त्री? हाँ बंद कर दी थी, क्यों? नहीं, और सारी खिड़कियाँ दरवाजे सब ठीक से लॉक कर दिए? लॉक किए थे मतलब ठीक से किए होंगे। देखो बेटा मुझे थोड़ा जल्दी जाना है, सब इंतजार कर रहे होंगे मेरा। हाँ बेटा जा बेटा। हाँ बाय पापा। बाय बच्चा। सुनो मुझे माफी मांगने का मौका तो दो, मैं मानता हूँ मैंने गलती की है, माँ कसम। पूनम? पूनम? उफ, अरे पूनम मेरी माँ का नाम है। एक डरावना जंगल है जहाँ मछलियां घास चल रही, सांप उड़ रहे, अजीब अजीब आवाज आती है, बिल्कुल अजीब। तूफानी हवा इन सब आवाजों को चीरती हुई चली आ रही है, तूफानी तूफान है। ऐसा लगता है जैसे जलती हुई चिता पर एक मुर्दा चला रहा है, मुर्दा अब इसे क्या हुआ? हाय, हैरान हो गए ना मुझे देखकर, क्या करूं, और कोई रास्ता ही नहीं था तुमसे बात करने का। मुझे माफ कर दो प्लीज, यकीन मानो मेरा इरादा तुम्हें नाराज करने का नहीं था, वो तो अनजाने में एक भूल हो गई थी तुम्हारे इस दीवाने से, और उस भूल की इतनी बड़ी सजा दे रही हो तुम कि मुझे माफी मांगने का मौका भी नहीं दे रही हो। मैं बंद तुम ही तो हो। अरे क्यों उठे हो? जिसकी मुझे क्यों बंद कर रही हो भाई, नया प्रोग्राम लगता है, देखने दो मुझे। तुम्हारी कसम मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया तो कसम है मुझे मेरे प्यार की, मर जाऊंगा मैं। आई लव यू, आई लव यू। कितना अच्छा कर रहे हैं, एकदम रियल लग रहा है। I love you.
I love you. चलो बेटे बेटे, दो चार दिनों की तो बात है। दरअसल मैं ये असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं करने वाला था, लेकिन निशा जी ने मुझे कन्विंस किया कि तू उनके साथ रहेगी। मैं फिर भी जल्द से जल्द वापस आने की कोशिश करूंगा। संजय जी आपके साथ वहां जाकर करेगी भी क्या, आप तो दिन भर बिजी रहेंगे वहां पर, यहां मैं हूं, लॉन्जी है, इसका दिल लगा रहेगा, डोंट वरी। हाँ, वक्त ऐसे गुजर जाएगा कि पता भी नहीं चलेगा कि मैं कब गया कब आया। लेकिन आप तो वहां अकेले होंगे ना पापा, अपना ख्याल रखना। तू मेरी फिक्र मत कर बेटा, तू अपना ख्याल रखना, और वैसे भी मैं फोन करता रहूंगा ना तुम्हें, है ना। क्या है ना निशा जी, पहली बार मैं इसे यूं। सिमरन बेटा, हंस कर पापा को बाय बोलो। Smile and say bye to papa. Bye. Smile. Bye बेटा, bye. Don't worry about her. Bye. आप इन दिनों में कहाँ कहाँ जाएंगे बोलो, पिक्चर पिकनिक क्या प्रोग्राम बताओ। लवली फ्लावर्स है ना? हाँ। तुम्हारे लिए है। मेरे लिए? आप लाई हैं? किसी ने भेजे हैं। किसने? जिसने भेजे हैं उसने साथ में एक चिट्ठी भी भेजी है। पढ़ो, गो रीड इट। सुना है सुबह खिला हुआ फूल शाम तक मुरझा जाता है। इन फूलों को मुरझाने मत दो सिमरन, शाम होने से पहले मुझसे मिलने आओ, वरना मेरा दिल टूट जाएगा। तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारा विक्रम। मिलने जाओगी ना उससे? क्या? आई एम सॉरी, मुझसे नहीं रहा गया, मैंने चिट्ठी पढ़ ली, लेकिन जाओगी ना? अकेले? नहीं नहीं, मैं चलूंगी, लॉन्जी को भी साथ ले चलते हैं, आस पड़ोस के वर्मा साहब भाटिया साहब सबको ले चलते हैं, पगली कहेंगे। अच्छा एक बार बताओ, सच सच बताना, दिल पे हाथ रख के, तुम भी उससे उतना ही प्यार करती है जितना वो तुमसे करता है? मैं मर जाऊं। आप जल्दी से तैयार हो जाओ। अभी से? तो ऐसे मिलने जाओगी क्या उससे? A girl has to look her prettiest, her best on her first date with her boyfriend. अभी से तैयार होना शुरू होगी तो शाम तक इतनी सोनी लगोगी कि बस विक्रम तुम्हें देखता ही रह जाएगा। और एक बात, these packs have to go. Thank you.
ख्वाबों की मलिका हो या जन्नत की हूर हो, ये तुम हो तुम ही हो ना या कोई और हो। ख्वाबों की मलिका हो या जन्नत की हूर हो, ये तुम हो तुम ही हो ना या कोई और हो। ख्वाबों की मलिका हो या जन्नत के हूर हो, ये तुम हो तुम ही हो ना या कोई और हो। अब तो ये आलम है डरता, वो बिजली कहीं गिर ना पड़े। पहले ही क्या कम थे, अब तो ये आलम है डरता, वो बिजली कहीं गिर ना पड़े। हर पल जीना मरना पड़े। ओ बिजली तूफान नहीं, ये तेरा की मलिका हो या जन्नत के हूर हो, ये तुम हो तुम ही हो ना या कोई और हो। ख्वाबों की मलिका हो या जन्नत के हूर हो, ये तुम हो तुम ही हो ना या कोई और हो। अब
ख्वाबों की मलिका हो या जन्नत के हूर हो, ये तुम हो तुम ही हो ना या कोई और हो। Excuse me, madam. मेरी बेटी सिमरन अंदर है, जरा प्लीज बुला दीजिए। पापा, it's me. सिमरन। नो, ये तुम्हें क्या हो गया? क्यों? अच्छी नहीं लग रही मैं? अच्छी नहीं, बहुत अच्छी लग रही है ना संजय जी? जब से आपका फोन आया है कि आप आने वाले हैं, तीन ड्रेसेस बदल चुकी है मैडम। पापा को ये अच्छा लगेगा, पापा को वो अच्छा लगेगा, अब ये चौथी ड्रेस है। क्या फायदा निशा जी, पापा ने तो मुझे पहचाना ही नहीं। आप फिर कमाल करते हैं संजय जी, बच्ची इतनी एक्साइटेड है और आपने इसकी तारीफ एक बार भी नहीं की। अब जल्दी से कर दीजिए वरना बाद में आपको मौका नहीं मिलेगा। मतलब कि आपके घर के बाहर लड़कों की लंबी लाइन लगी होगी। जो कोई भी आएगा वो यही कहेगा आपकी बेटी बहुत खूबसूरत है, क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? आपकी बेटी बहुत सुंदर है, क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? सर, आपकी बेटी बहुत सुंदर है, मैं उसे मिल सकता हूँ? आपकी बेटी बहुत सुंदर है, मैं उसे मिल सकता हूँ? आपकी बेटी बहुत सुंदर है, मैं उसे मिल सकता हूँ? तुम अभी अभी आए थे ना? वो मैं था। पापा, संजय जी, क्या हुआ? अंकल को जल्दी पानी पिला। हाँ, पानी पानी। पापा पापा, चलो चलो चलो, कमर कमर कमर, गो अप एंड चेंज, कमर कमर कमर। मगर क्यों पापा, क्या मैं अच्छी नहीं लग रही? वो बात नहीं है बेटी, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? देखो, ये ऐसे कपड़े पहनना, ये मेकअप करना, ये लिपस्टिक लगाना, ये अच्छी बात नहीं है बेटी। इसमें क्या बुरा है, सभी लड़कियां तो ऐसे कपड़े पहनती हैं। लेकिन तुम सभी लड़कियों जैसी नहीं हो बेटी, तुम अपने पापा की बेटी हो। ओके नहीं, वो एकदम सीधी सादी चश्मा पहनने वाली क्यूट क्यूट सी। चलो वापस बन जाओ अपने पापा की बेटी, कमल कमल। मैं तो अब भी अपने पापा की बेटी हूँ। तुम खामखा मुझसे बहस कर रही हो। मैं कहाँ बहस कर रही हूँ, मान भी तो नहीं रही हो। But I like it this way. I don't like it this way. उसे भी मैं ऐसी ही पसंद हूँ। उसे पसंद होने से क्या होता है, मुझे पसंद होनी चाहिए ना, मेरी पसंद आखिरी पसंद। उसे किसे? पापा, मैं आपको बताना चाह रही थी लेकिन इस तरह नहीं, मुझे शर्म आती है। शर्म? शर्म क्यों आ रही है तुम्हें? वो बहुत चाहता है मुझे पापा, मैं भी उसे बहुत चाहती हूँ। जानते हैं पापा, उसने मुझे इस तरह जब पहली बार देखा तो उसने क्या कहा? क्या? वो कह रहा था कि मैं ख्वाबों की मलिका हूँ, जन्नत की हूर हूँ मैं। शादी, शादी करना चाहती है उससे। मैं तुम्हें पूछता हूँ, तुम्हें शादी का मतलब मालूम है? मालूम है तुम्हें मतलब शादी का? You mean, उसने तुम्हें प्रपोज भी कर दिया? How romantic. What romantic? वो तो हर तीसरी लड़की से यही कहता होगा, मुझसे शादी कर दोगी? अरे सब अमीर बाप के बेटे हैं ना, ये सारे के सारे ऐसे ही होते हैं। अच्छा, वो अमीर भी है? वेरी गुड वेरी गुड। दिखने में कैसा है? बिल्कुल सिमरन को मैच करे ऐसा है, क्या जोड़ी होगी? जोड़ी क्या थी मम्मी? चुप, बड़ों के बीच बात नहीं करते, चलो बाहर जाके खेलो। चलो बेटा रह जा, चलो तुम्हें खेलते। नहीं नहीं, सिमरन नहीं रहेगी, तुम जाओ। देखा देखा, लॉन्ची भी अभी तुम्हें बच्ची समझता है। अरे ये कोई उम्र है इसकी शादी ब्याह करने की? तुम इतनी बड़ी नहीं हुई अभी तक,
कि तुम फर्क समझ सको कि प्यार और ये क्या क्या होता है। और तुम लोग जो इसका प्यार समझ रहे हो ना, वो प्यार नहीं है। प्यार नहीं है वो इन्फैटुएशन है। इन्फैटुएशन। चार दिन नहीं मिलोगे ना उससे तो ये तुम्हारा प्यार व्यार का भूत है ना, सारा के सारा उतर जाएगा। क्या बात कर रहे हो संजय, चार दिन? अरे इस उम्र में चार घंटे भी मिले बगैर नहीं रह जाता। अभी तो चार चार मिनट में फोन आते होंगे। ट्रिंग ट्रिंग। हेलो, क्या कर रही हो? तुम्हें याद कर रही हूँ। मैं भी। यू आर सो क्यूट। ओ नो, शट अप। वो तुम्हें फोन भी करता है? मैं ये फोन ही काट दूंगा। नहीं नहीं, ये तो इसकी लाइफ लाइन है। बाहर में गई लाइफ लाइन। मैंने डिसाइड कर लिया है सिमरन, तुम्हारा कल से इस घर से बाहर निकलना बंद। ना ही तुम कहीं जाओगी, ना ही उससे मिलोगी। अगर वो तुमसे मिलने की कोशिश भी करे, फिर भी नहीं मिलोगी। सुना तुमने? फिर भी नहीं मिलोगी, बात नहीं करोगी उससे, शक्ल नहीं देखोगी उसकी। तुम्हारी ये उम्र पढ़ने लिखने की है, शादी करने की नहीं, समझी? सिमरन, सिमरन, रोने दो उसे। इश्क में रहेगा हम, कितना मीठा लगता है। जैसे तपते बुखार में मीठा मीठा सिरप। सिमरन, सिमरन, तू नहीं बेटे, तू रोना नहीं बेटे, है? देख बेटे, रोना नहीं। अगर तू रोएगी ना तो मैं फिर रो पड़ूंगा बेटे। देख मेरी तरफ, देख मेरी तरफ, देख तुझे मेरी कसम, मेरी तरफ देख बेटे। देख बेटे, वो लड़का अच्छा नहीं है बेटी। अभी तो सिर्फ उसका जिक्र हुआ है हम दोनों में, और वो हम दोनों को कितना रुला रहा है। आगे न जाने क्या होगा। रुला वो नहीं रहा पापा, रुला तो आप रहे। I love him. मैं उसके बिना नहीं रह सकती। देख बेटा, देख, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि वो लड़का अच्छा है, तुम दोनों का प्यार सच्चा है, लेकिन मैं पूछता हूँ, ऐसी भी क्या जल्दी है? अभी तो तू बड़ी हुई है, अपने पापा को छोड़ के जाने की बात कर रही है। शादी का मतलब जानती है तू बेटी? ये जो सालों से तेरा अपना है, उसे छोड़ के पराया करके चली जाएगी तू? अपने पापा को छोड़ के चली जाएगी तू बेटी? तू तैयारी इन बातों के लिए? मैं तैयार नहीं हूं बेटी, मैं तैयार नहीं हूं। पापा, आप उसे एक बार मिल तो लो, अगर वो आपको पसंद नहीं आया तो मैं वादा करती हूं, मैं उसे फिर कभी नहीं मिलूंगी। तुम्हारा मतलब है मैं हाँ करूं तो हाँ, ना करूं तो ना, हैं? ठीक है, मगर एक शर्त, मुस्कुराओ, मुस्कुराओ। हाँ वैसे मुस्कुराते रहो बेटा। हाय। हाय। गेस व्हाट? व्हाट? पापा तुमसे मिलना चाहते हैं। गेस व्हाट? व्हाट? मैं उनसे नहीं मिलना चाहता। मजाक छोड़ो विकी। मजाक नहीं है स्टूपिड, तुम्हारे पापा का नाम लेते ही मेरे पसीने छूटते हैं। आई गेट नर्वस। देखो विकी, तुम्हारा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। जब तक पापा तुम्हें मिल नहीं लेते, तुम्हें अप्रूव नहीं कर लेते, मैं तुमसे नहीं मिल सकती। Guess what? What? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। चलो चलो जल्दी करो, वो आता ही होगा अभी। ये सब तुम यहाँ क्यों रख रहे हो? वहाँ रखो ना, वहाँ बैठेंगे। सभी तैयारी अभी से कर लो, ताकि जब विक्रम आएगा तो आराम से बैठकर बातें करेंगे। Wait. Don't leave him alone with your papa. अरे इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत है भाई? क्या बात कर रहे हो? अरे पहली बार घर में जवाई आ रहा है। नो 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 नो, मेरी सिमरन की क्लियर अंडरस्टैंडिंग है, अगर मैं अप्रूव ना करूं तो फिनिश द एंड, राइट? हाँ पापा। लॉन्जी बेटा मुझे बैठने दो। नो लॉन्जी, बाद में खाना, पहले तुम्हारे जीजा जी तो खा ले। जीजा जी? अरे ये क्या चल रहा है, कोई जवाई बोल रहा है, कोई जीजा जी बोल रहा है। सॉरी सॉरी, अप्रूवल फर्स्ट। यस यस, ऑफ कोर्स। ही इज लेट। बी पेशेंट, बी पेशेंट। ओके डॉक्टर, ओके डॉक्टर। वो आ गया। रुको रुको रुको, ऐसी भी क्या जल्दी है? उसे लगेगा हम उसका इंतजार कर रहे हैं। अंडी ऑफ इंपॉर्टेंस।
अरे देख तो लो भाई, वही है या कोई और? सिमरन। जी मामा जी। उसके पास ब्लू मारुति है? हाँ जी। हाँ, लंबा है, गोरा है? हाँ हाँ। तो फिर वही है। I'm getting nervous. I know, डॉक दरवाजा तो खोलो। मैं कैसे बोलूँ, मैं तो उसे जानता तक नहीं। ये पकड़ो। हाय निशा जी। हाय विक्रम, आओ आओ। कम 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 इनसाइड। मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस कराती हूँ सबसे पहले उससे जिससे शायद तुम नहीं मिले, सिमरन। हाय। ये सिमरन के पिता है, मिस्टर संजय मल्होत्रा। And he's Vikram, Vikram Mehra. How do you do, sir? How are you? Very well, thank you. और मैं हूँ सिमरन का मामा, डॉक्टर मामा. अच्छा, तो सिमरन ने बताया तुम्हें मेरे बारे में? जी हाँ, और ये भी बताया कि डॉक्टर के साथ साथ आपको म्यूजिक का भी बहुत शौक है. इसलिए मैं आपके लिए ये कैसेट लाया हूँ. थैंक यू, थैंक यू. यू आर ए गुड बॉय. इज ए गुड बॉय. लगा गया मस्का मामा को चापलूस कहीं का. अरे बैठो बेटे बैठो. या, मैं कैसे बैठो? पहले आप पेप्सी कहें ना जीजा जी. खाएंगे बेटा, जरूर खाएंगे. पहले ये देखिए मैं आपके लिए क्या लाया हूँ. वाओ चॉकलेट्स, थैंक यू यार. मामा को कैसेट्स, लॉन्जी को चॉकलेट्स और मुझे कुछ भी नहीं. शक्कर कितनी लोगे विक्रम जी? एक चम्मच. क्या जादू कर डाला है मेरी भोली भाली बेटी पर? सिमरन, इसके चेहरे पे साफ साफ लिखा है कि ये एक नंबर का आवारा बच्चलन, प्लेबॉय है प्लेबॉय. न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी खराब कर चुका होगा. हाय मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई. हे भगवान मुझे कोई बचा लो. हाय मैं लुट गई. अरे अरे, अब मेरा क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा? तुम पे विश्वास करके मैं घर से भागी थी. तुम्हारे इस बच्चे को जन्म दिया है मैंने. अब मेरी जिंदगी बर्बाद करके और एक मासूम की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो. ये क्या कह रही हो तुम? ये यकीन मानिए सर, मैं इस लड़की को जानता था. संजय, अरे देख क्या रहे हो, बात करो विक्रम से, पूछो जो कुछ पूछना है. बच्चे कितने हैं? जी मेरा मतलब है उम्र कितनी है? जी 21. तुमसे जो पूछा जाए उसी का जवाब दो. मैंने तुमसे तुम्हारी उम्र पूछी है, बर्थ डेट नहीं. कितना पढ़े हो? जी बिजनेस मैनेजमेंट में मास्टर्स की डिग्री है. ओह दैट्स वेरी गुड है ना. घर में कौन कौन है? जी मम्मी डैडी और मैं. छोटा परिवार, सुखी परिवार. ये और भी एक गुड पॉइंट है ना निशा जी? ओह यस. भाई मैं तो बहुत फ्रैंक बात करती हूँ, मुझे तो विक्रम में ऐसा कोई पॉइंट नजर नहीं आता जो इसके खिलाफ है. आप देखिए, खुद ही देखिए, जस्ट लुक एट देम. देखिए ना, व्हाट अ हैंडसम पेयर दे मेक. संजय जी खुद देखिए ना. मेरी मानो तो दोनों की जल्दी से शादी करा दो ताकि ये हमेशा इसी पोज में रहे, है ना. विक्रम में वो सभी गुण है जो एक शादी के लायक लड़के में होने चाहिए. मेरी तो पूरी तसल्ली हो गई. फिर भी अगर कोई नुक्स निकालना ही चाहता है तो ढूंढ के बताए. बधाई हो ससुर जी, बड़ा अच्छा लड़का पसंद किया है आपने सिमरन के लिए. कांग्रेचुलेशन संजय जी, कांग्रेचुलेशन. आपको भी कांग्रेचुलेशन मामा जी. सर अगर आप इजाजत दें तो क्या मैं सिमरन को अपने साथ बाहर ले जा सकता हूँ? हाँ हाँ ले जाओ ले जाओ. अरे क्या ले जाओ, कहाँ? यहीं होटल कैसाब्लांका में, बस डिनर खा के आ जाएंगे. इतनी लेट? अरे क्या लेट, 12 बजे तक तो सिंड्रेला को भी परमिशन थी बाहर रहने की. देखिए मैं बहुत पुराने ख्याल का आदमी हूँ. सिंड्रेला तो आपसे भी पुरानी है. थैंक यू फेरी गॉड मदर. नथिंग डूइंग विकेड स्टेप मदर. तुम्हें क्या लगता है, पास या फेल? सुपरवाइजर अच्छे थे ना, इसलिए तुम पास हो गए. पास हो गए तो फिर ये दूरी क्यों? पास हो अब मुझसे रहा नहीं जाता सिमरन.
जी चाहता है कि आज ही तुम्हें अपना बना लूं, इसलिए मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले जा रहा हूं जहां हमारे आने वाली जिंदगी की हर खुशी हमारा इंतजार कर रही है। एक मिनट। गुड इवनिंग मिस्टर मेहरा। गुड इवनिंग। एवरीथिंग इज रेडी फॉर यू अपस्टेयर्स। थैंक यू। हैव अ नाइस टाइम। चलो चलो ना। तुम हो? मुझे लगा सिमरन है। अंकल। हाँ? मम्मी ने भेजा है। रख दो। अच्छा, आप लोगों ने खाना खा लिया? हाँ? अंकल, सिमरन ने नहीं आया अभी तक। हाँ? सिमरन दीदी नहीं आई? नहीं आई। उन्होंने सोचा दो सिमरन है। नहीं मम्मी, मेरी बेल सुनने के बाद उन्हें लगा के सिमरन है, लेकिन दरवाजा खोलने के बाद तो मैं था ना। फिर उन्होंने क्या किया? किया तो कुछ नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि इन्हें मिनट रो पड़ेंगे। ओह पुअर मैन। यस सर। वो कहाँ है? एक्सक्यूज मी, कौन सर? अरे वो यार, वो जिसके साथ लड़की है। लड़की? नाम? नाम 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 वो विक्रम, विक्रम मेरा। हाँ वो तो है। हाँ, कौन से रेस्टोरेंट में? रेस्टोरेंट में नहीं तो ऊपर महाराणा सूट में, हनीमून सूट। हाँ हनीमून। बच कर कहाँ जाओगी जाने मन? ये तुम्हें क्या हो गया विकी? आशिकी, आशिकी मेरी फिक्रत है और अयाशी मेरा अल्लाह। विक्रम नहीं, प्लीज विक्रम। इतना डर क्यों रही हो मुझसे? I love you, सिमरन। छोड़ दो मुझे, जाने दो प्लीज। छोड़ भी दूंगा, जाने भी दूंगा, पहले पकड़ तो लूं। या, या, बचा। ये लो खा लो, चलो चलो। हमारे आते भी खाओ बेटे। अगर मुझे पता होता कि आज आप दोनों की एनिवर्सरी है तो मैं जरूर कोई गिफ्ट लाती। अरे गिफ्ट तो भी मिली गई बेटे तुम्हारे आने से। माय सन, यू कुडंट हैव गिवन अस अ बेटर गिफ्ट, है ना? जानती हो सिम, क्या मम्मी और डैडी ने अपनी वेडिंग नाइट इसी होटल में बताई थी। बेचारे तुम्हारे पापा, मेरे हाथों में लगी मेहंदी में अपना नाम पूरी रात ढूंढते रहे। लेकिन अब मैं तुम्हारी सारी बदमाशियां जान चुका हूँ, देख लो दोबारा शादी करके। अपनी बात छोड़ो, आप अपने बेटे की शादी की बात सोचो। अरे सोचना क्या है, अभी पंडित को बुलाकर करवा देते हैं फिर। यू आर राइट। चुप, ऐसे थोड़ी ना लाऊंगी अपनी बहू को, बहन बाजे के साथ धूमधाम से लाऊंगी इसे। लेकिन कब मम्मी? चल पहले इसे मुझे जी भर के देख लेने दो। ये पहन लो बेटी। आंटी, ये मेरी तरफ से मुंह दिखाई है। चलो हाथों हाथों अपना, शाबाश। बस तुम तो तैयारी बैठी थी कंगन पहनने के लिए, उन्होंने कहा लो और तुमने ले लिया। मैं पूछता हूँ किसको पूछ के दिया उन्होंने कंगन तुम्हें? है मैं हूं ना, मैं हूं ना तुम्हारा पापा, मुझसे पूछना नहीं चाहिए था, बात नहीं करनी चाहिए थी मुझसे। बस जी में आ गया, पहना दिया कंगन। अरे भाई मेरी मर्जी है मैं शादी के लिए हाँ कहूँ या ना कहूँ। डायरेक्ट वाह 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 वाह। अभी तो मस्से मिला हूँ मैं लड़के से, उसकी फैमिली के बारे में मैं कुछ नहीं जानता, नहीं मालूम कख मुझे उसकी फैमिली के बारे में।
अरे भाई कौन है वो लोग, कैसे है वो लोग, क्या करते हैं, क्या कमाते हैं, क्या खाते पहनते हैं, मुझे कुछ नहीं मालूम, और उन्होंने तुम्हें कंगन पहना। जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान। पापा उनका भी तो यही कहना है, वो भी तो आपसे मिलना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम एक दूसरे को जाने पहचाने, इसीलिए तो कल शाम उन्होंने हम सबको चाय पे बुलाया है। हैं? लीजिए ना भाई साहब, आपने तो कुछ लिया ही नहीं। नहीं नहीं बस थैंक यू। खाइए खाइए, ये बर्फी ट्राई कीजिए, मुंह में रखते ही घुल जाएगी और मुंह भी मीठा हो जाएगा। मिठाई खाने से तो मुंह मीठा हो ही जाता है ना, क्यों डॉक? हाँ, डायग्नोसिस के बिना ठीक से नहीं कहा जा सकता। जरा टेस्ट कर लूं अपनी लैब में। हाँ हाँ जरूर। हाई शुगर कंटेंट, स्वीट पीपल। निशा, जब से तुमने विक्रम और सिमरन की बात की है, उस दिन से मैं सोच रही हूँ कि तुम लड़के वालों की तरफ से हो या लड़की वालों की तरफ से। भाई मेरी मानो तो लड़के वालों की तरफ आ जाओ, बारात में खूब नाचने को मिलेगा। आ जाओ पापा, बारात में मैं भी नाचूंगा। अरे तू तो घोड़ी पे सवार होगा। तो बरखुरदार बारात में घोड़ी पे आएंगे। बिल्कुल मल्होत्रा साहब, बस जल्दी से हाँ कर दीजिए। देखिए हमें और कुछ नहीं चाहिए, हम झोली फैलाए खड़े हैं आपके सामने, दो जोड़ों में सिमरन को हमारी झोली में डाल दीजिए, हम समझेंगे हमें सब कुछ मिल गया दहेज में। दहेज में तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं लाई, जब देखो तब खाती रहती है। लेकिन आप ही ने तो मुझसे सवाल लगा रही है, बदतमीज। क्या हुआ? अरे भाई क्या हुआ? अंकल अंकल ऊपर देखिए, बंद हो जाएगी। अरे लॉन्जी तुम तो बहुत क्लेवर हो। अरे लड़के होते ही क्लेवर हैं। जानती हूँ, देख रही हूँ इतने सालों से तुम लोग कितने क्लेवर हो, लेकिन अब मेरी बहू आ रही है तो मुकाबला बराबर का होगा, टू अगेंस्ट टू, है ना? फॉरगेट इट मम्मी, सिमरन तो जरा भी लड़ना नहीं जानती। नेचुरली, इतने लाड प्यार से पाला इसके पिता ने, हर जिद इसकी पूरी की जाती होगी, मांगने से पहले से हर चीज मिल जाती होगी। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए भाई साहब, मैं भी इसे इतनी ही नाजो से पालूंगी, अपनी पलकों पे बिठा के रखूंगी अपनी बिटिया रानी को। देखो तो इस महारानी को, अरे जन्म जली, अब तक कट्टा खत्म नहीं हुआ, कपड़े बर्तन जो इतने पड़े हैं कौन करेगा, तेरा बाप। अरे अरे क्या कर रहे हो? आई एम सॉरी 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 सॉरी, मुझे बाथरूम जाना है, साफ पहले चलो। नहीं बता दो, वो रहा वहां पे, वहां। सो सॉरी, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी प्लीज। सो यंग मैन, क्या सोचा है अपने बारे में, अपने पापा का बिजनेस संभालोगे या और कुछ? पापा अगर मुझे अच्छी सैलरी देते हैं तो मैं उन्हें आज ही ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ, वरना डॉक्टर मामा मुझे तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनी से ऑफर्स हैं, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी से ऑफर्स हैं कि जो कंपनी मुझे मैक्सिमम सैलरी देगी मैं उसे ज्वाइन कर लूंगा, क्यों निशा जी? हाँ यस यू राइट, इंसान को वही करना चाहिए जो 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 उसे करना चाहिए। एग्जैक्टली, आदमी अगर एक बार मन में ठान ले तो वो क्या नहीं कर सकता। मुझे देखिए, जब मैंने बिजनेस शुरू किया था तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, एक ब्रीफ केस था और वही था मेरा ऑफिस। लेकिन आज हर बड़े शहर में मेरा ऑफिस है। This is only because of my determination. अब देखिए विक्की क्या करता है। फिलहाल तो इस पर इश्क का बुखार चढ़ा हुआ है। क्या हुआ? क्या हुआ? बुखार? बुखार का जिक्र किया उन्होंने तो हाथ अपने आप माथे पे चला गया टेम्परेचर देखने के लिए। डॉक्टर हूं ना मैं। टेलीफोन डायरी। हाय मीना, रात को क्या कर रही हो? डॉली आई लव यू स्वीट हार्ट। हाय हनी, अभी आजा। अरे यार, ये नौकर लोगों को आराम तो करने ही नहीं देते, सब काम करना पड़ता और खुद ऐश करते हैं। अब इनके लिए हैंगर भी खुद ही निकालो। अरे
अरे मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे मेरे पीछे कोई है? है ये। अरे इधर भी कोई नहीं है, इधर होगा। इधर नहीं, इधर नहीं। है, है। आजा, 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 आजा। अरे बाप रे, मैं तो डर गया था कि मेरे पीछे कोई है। शुक्र है कोई भूत भूत नहीं। डॉक्टर को बुलाएं? कोई जरूरत नहीं जी। जी अच्छा, किसका फोन था? आंटी का। कौन आंटी? विक्रम की मम्मी, पूछ रही थी अब आप कैसे हैं? कैसा हो सकता हूँ मैं? अरे उनका घर है या भूल भुलैया, घूमी हो गया था मैं। उसकी सीढ़ियाँ भी ऊपर से ऐसी जानबूझकर उन्होंने ऐसी सीढ़ियाँ बनाई है। वो सीढ़ियाँ भी उन्हीं की तरह थी। इसका मतलब आपको उनका घर अच्छा नहीं लगा? मुझे तो उस घर में कुछ भी अच्छा नहीं लगा। कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं, खास करके वो लड़का, वो विक्रम, वो तो मुझे एक आंख नहीं भाता। क्यों? जैसी बाजरी वैसा गेहूं। क्यों क्या क्यों? अच्छा नहीं लगा मतलब नहीं अच्छा लगा। पापा, मैं तो शुरू से इस रिश्ते के खिलाफ था। वो तो तुम लोगों ने जबरदस्ती की इसलिए मैं वहाँ पे गया, वरना मैं वहाँ पे जाता ही नहीं। वेस्ट ऑफ टाइम। पापा, ये मेरी जिंदगी का सवाल है और आप इसे वेस्ट ऑफ टाइम कह रहे हैं। डोंट बी सो ड्रामेटिक सिमरन, जिंदगी का सवाल, मोहब्बत कर रहे हैं, लैला मजनू बन रहे हैं। अरे वो लैला मजनू क्यों फेमस हुए मालूम है? क्योंकि उनकी शादी नहीं हुई थी। अगर शादी हुई होती ना तो आज लैला आठ आठ बच्चों की अम्मा होती और मजनू के हाथ में लैला के बजाय थैला होता और वो सब्जी मार्केट में भिंडी खरीदता फिरता। शी, लैला मजनू की पूरी इमेज खराब कर दी। एनीवे, ना तो मैं लैला हूँ और ना तो आप लैला के खलनायक पिता। आप तो मेरे पापा है, मेरे पापा, और मैं जानती हूँ कि मेरे पापा सिर्फ मेरी खुशी चाहते हैं। राइट right. और तुम्हारी खुशी इसी में है कि तुम उसे भूल जाओ। रॉन्ग, मेरी खुशी उसे भूलने में नहीं, उसके साथ है। वो तुम्हारे लायक नहीं है सिमरन। क्यों? बस नहीं है, मुझे पसंद नहीं है। बताइए तो सही पापा, उसमें क्या ऐब है? अरे यही ऐब क्या कम है कि वो तुम्हें मुझसे छीनना चाहता है। What? Yes. वो कौन होता है हम दोनों के बीच आने वाला? पापा, आपको क्या लगता है विक्रम के साथ शादी करके मेरा प्यार आपके लिए कम हो जाएगा? हाँ। प्यार प्यार होता है पापा, कम ज्यादा नहीं होता। आज तो सिर्फ विक्रम है मेरी जिंदगी में, कल अगर मेरा बेटा भी हो ना तब भी मैं आपके साथ उतना ही प्यार करती रहूंगी जितना कि हमेशा करती आई हूँ। क्या मैं विक्रम से मिल सकती हूँ? जब तुम लोग किसको आ सकते हो तो मैं क्यों नहीं आ सकता? बड़े सालों बाद नाच रहा हूँ, बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा थक सा गया हूँ। एक काम करते बेटा, वापसी में गाड़ी तुम चलाना। हाँ, ये लो चाबी। लो 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 पापा, चले। बाय विक्रम, एंजॉय योरसेल्फ। हाय,
लेट क्यों हो? सॉरी, नाराज तो नहीं हो? नाराज और तुमसे कभी नहीं। That's good. वरना पता चला पूरी शाम रूठने मनाने में गुजर गई। Times are changing, my dear. लेकिन एक चीज नहीं बदली। क्या? लड़की का बाप। तुम्हें नहीं लगता वो कुछ ज्यादा ही टाइम ले रहे हैं हाँ कहने में? अच्छा, यानी कि तुम्हें पूरा यकीन है कि वो जरूर हाँ कहेंगे? Of course. सिमरन, क्या तुम भी वही देख रही जो मैं देख रहा हूँ? Oh my God, पापा। वो भी यहीं चले आ रहे हैं डायरेक्ट। अरे वाह 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 वाह, मुझे तो पता ही नहीं था कि अचानक मेरे ऐसे वॉक लेने का मूड आ जाएगा और तुम दोनों से मुलाकात हो जाएगी। वैसे बेटा अच्छा ही हुआ कि हमारी मुलाकात हो गई, वरना मैं क्या करता? क्यों, क्या हुआ पापा? पता नहीं, लेकिन कुछ हुआ जरूर है। तभी तो निशा जी तुम्हें कब से ढूंढ रही है। पता है, 3 बार उनके फोन आए और 5 बार लगातार वो खुद आके तुम्हारे बारे में पूछ के गई। ओह माय गॉड, क्यों? आई आस्क्ड हर, मैंने पूछा, पूछा मैंने ये, लेकिन हर बार वो यही कहे जा रही थी कि सिर्फ तुमसे और तुम्ही से उन्हें बहुत अर्जेंट और जरूरी काम है। बेटा बेटा, मेरी मानो तो तुम अभी जाके उनसे मिल लो। मेरा तो दिल बहुत घबरा रहा है। डोंट वरी अंकल, मैं अभी सिमरन को अपनी कार में ले जाता हूँ। चलो सिमरन। ओह नो, ओह नो। क्या हुआ? टायर पंचर है। अब मैं क्या करूं? डोंट वरी, मेरे पास स्टेपनी है, मैं भी टायर चेंज कर देता हूँ। अरे ठहर ठहर, उसको तो बहुत टाइम लग जाएगा। बेटा तू एक काम कर, तू रिक्शा पकड़ के निकल, तब तक हम टायर चेंज करते हैं। हाँ हाँ, बाय विक्रम। टायर। आते जाते हंसते गाते सोचा था मैंने मन कई बार, वो पहली नजर हल्का सा असर करता है क्यों इस दिल को बेकरार। रुक के चलना, चल के रुकना, ना जाने तुम। भाई साहब अभी शुरू हुई है पिक्चर। हाँ विक्रम, अकेले आए हो क्या? ओहो सिमरन, तुम क्या अजीब इत्तेफाक है। वैसे देखा जाए तो जिंदगी भी इत्तेफाक ही है, कल भी इत्तेफाक थी, आज भी इत्तेफाक है। यही सच है बेटा, मुझे ठीक से नजर नहीं आ रहा है। हाइट कम है ना। तुम एक काम करो, तुम इधर 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 तो पापा का काका काका का। अरे विक्रम, इसे क्या हो गया? खैर तुम पिक्चर देखो। ओह सिमरन, तुम उन्हें बताती ही क्यों हो कि तुम कहां जा रही हो? हां मैं पापा से झूठ नहीं बोल सकती। यही तो प्रॉब्लम है तुम दोनों की। मैं क्या करूं, विकी भी मुझसे इतना नाराज है, इसमें मेरी क्या फॉल्ट है? फॉल्ट तो किसी की भी नहीं है, सिर्फ इतना है कि तुम्हारे पापा तुम्हारे बारे में जरा ज्यादा ही पजेसिव है। पता है, आई एम श्योर कल शाम को भी वो डिस्को में जरूर आएंगे। नहीं आएंगे। हाँ हाँ, बस तुम अपने डॉक्टर मामा का फोन नंबर मुझे दे दो। पापा पापा। हाँ मैं जाऊँ। बेटा जा, बाय बाय। आप कहीं जा रहे हैं? मुझे बहुत जरूरी काम है। अरे क्या इत्तेफाक की बात है, मुझे भी आपसे बहुत जरूरी काम है। मुझसे? हाँ। क्या क्या क्या? आपसे बड़े जरूरी मामले में सलाह लेनी है। सलाह? एक काम करते हैं, सलाह बाद में लेते हैं। क्यों? मुझे कहीं जाना है। कहाँ? कहाँ कहाँ कहाँ? मेरा वो साला है ना, वो डॉक्टर, उससे मुझे बहुत जरूरी काम है। बस मैं भी गया और अभी आया। मुझे याद किया, तुमने पुकारा और हम चले आए। क्यों चले आए? अच्छा किया चले आए, अब आप भी मुझे सलाह दे सकते हैं? पूछो पूछो। अरे अपना एक्सपर्ट ओपिनियन तो बहुत फेमस है। अरे काय का एक्सपर्ट, उसमें तो बहुत टाइम जाएगा। निशा जी, आपको जो भी कहना है ना, आप जल्दी कहिए कहिए कहिए। माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन?
आने वाला था। हाँ आने वाला था, नहीं आया तो मैं क्या करूँ? मैडोना, मैडोना आने वाली है, अगर नहीं आई तो? नहीं आई तो नहीं आए, मुझे जाना है। अरे संजय जी, लेकिन आप फिक्र क्यों करते हैं, मैं हूँ ना। आप? हाँ मैं कूद जाऊंगी स्टेज पर। अजी कॉलेज के जमाने में मैं क्या कमाल का रॉक एंड रोल करती थी, मुझे देखकर सारे स्टूडेंट्स रॉक करते थे और प्रोफेसर रॉक। लगता है आपको देख के लगता है, लेकिन अब उस बात को तो काफी साल हो गए ना। अब दोबारा स्टेज पर जाने से पहले मैं आप दोनों को वो गाना जरूर सुनाना चाहती हूँ, ताकि वो कॉन्फिडेंस वापस आ जाए ना। वेरी गुड सिमरन, सिमरन वो घर पे नहीं है। ओ थैंक गॉड, अब उसके सामने तो मुझे बड़ी शर्म आती ना। आप एग्जैक्टली क्या करने वाली हैं? तेरे तेरे आप पापा अपना डांस इनको दिखाइए। अरे संजय इनको मैं relax.
छोड़ो ना, क्या करते हो? अरे डार्लिंग शर्मा क्यों रही, इससे बेटर चांस फिर कहाँ मिलेगा? तुम हो, मैं हूँ, तीसरा यहाँ कोई नहीं है। लेकिन ऐसे भी क्या जल्दी है, पहले शादी तो हो जाए। डरो मत डार्लिंग, शादी भी हो जाएगी, अब तो तुम्हारे पापा ने भी हाँ कर दी है। छोड़ो ना, फिर भी डर लगता है ना। अरे पास में आ जाओ। छोड़ो ना। सारा डर। छोड़ो ना। ए, 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 अरे तेरी तो ये क्या किया आपने? कुछ अकेला कि नहीं, मेरी गाड़ी का कांच तोड़ दिया? अबे खैर मुझे छोड़ूंगा नहीं तेरे को, भाग तो जा। सरपदार। जी सर। उस चश्मे वाले बुड्ढे को छोड़ दो। जी। चल बुड्ढे निकल बेड़ो। यार तुम तो बड़े लकी हो गई तसल्ली, कर लिया जो करना था, या अभी कुछ बाकी है? आगा पीछा कुछ सोचा नहीं, तोड़ दिया कांच गाड़ी का। अगर विक्रम के माता पिता को इस हरकत का पता चलेगा तो क्या इज्जत रहेगी तुम्हारी? उनकी बात छोड़ो, अगर सिमरन को पता चलेगा तो क्या सोचेगी तुम्हारे बारे में? अगर सचमुच सिमरन उस गाड़ी में होती तो कैसे होती? कैसे होती? तुम्हें सिमरन पे भरोसा नहीं है? अपनी परवरिश पे भरोसा नहीं है तुम्हें? लीव देम अलोन संजय, लीव देम अलोन। तुम अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो बनती बात बिगड़ जाएगी। वही तो मैं चाहता हूँ, बात बिगड़ जाए, अब भी बिगड़ जाए, जो कुछ होना हो आज हो, वरना कल उस चक्रम की असलियत का पता चलेगा ना तो बहुत पछताना पड़ेगा सिमरन को। हेलो, 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 हेलो,
सिमरन, सिमरन बेटे, हाय। अरे मैं तुम्हारा नीचे इंतजार कर रहा था भाई। अच्छा सुनो, मेरे बॉस का भी अभी फोन आया था, मुझे कल एक दिन के लिए पूना जाना पड़ रहा है, बस सिर्फ एक दिन के लिए काम, यू नो। अच्छा पापा, मैं आपका बैग पैक कर दूं? ठीक है, तब तक मैं नीचे खाना लगाता हूँ, ओके? लग गया। आओ भाई, बैग पैक कर ली तुमने? बस सुबह सुबह निकल जाऊंगा मैं, शाम तक लौट आऊंगा। और ऐसी क्या देख रही हो? मुझे नहीं मालूम ये डायरी मेरी कबर्ड में कैसे आई, किसने रख दी होगी? हाँ? नहीं नहीं पापा, नहीं। आप जो भी चाहते ना मैं वही करूंगी पापा। आप चाहते ना कि मैं विक्रम से नहीं मिलूं? मैं नहीं मिलूंगी पापा, मगर आप मुझसे झूठ मत बोलिए पापा, आप मुझसे झूठ मत बोलिए पापा। सिमरन, सिमरन बेटा, मेले में खोई गुजरिया जिसे मिले मुझसे मिलाए, सिमरन क्या हुआ उसे अविनाश? अरे तुम बोलते क्यों नहीं, क्या हुआ उसे? तुम अच्छी तरह से जानते हो उसे क्या हुआ है संजय। ये क्या कर रहे हो तुम? क्या पा लिया तुमने ये करके? हाँ? क्या पा लिया? मैं पूछता हूं ये कैसा प्यार है तुम्हारा जो तुम्हारी बेटी की जान पे आ बना है? स्वार्थी हो तुम, अपने स्वार्थ के लिए तुमने उन दोनों को जुदा कर दिया है, तोड़ दिया है उस बेचारी का दिल, तोड़ दिया है। नहीं करेगी वो शादी, किसी के साथ नहीं करेगी, सारी उम्र तुम्हारे साथ रहेगी इसी तरह। विक्रम के साथ सिमरन बहुत खुश थी संजय जी, अब भी वक्त है उसके खुशियों से लौटा दीजिए। सारी जिंदगी वो सिर्फ आपकी बेटी बनकर नहीं जी सकती, आज आपसे ज्यादा उसे विक्रम की जरूरत है।
निर्णय गलत था। तुम्हारे पापा बहुत अच्छे हैं। जो कुछ भी हुआ उसे हम दोनों भूल चुके हैं। तुम भी भूल जाओ। तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारा विक्रम। पापा, पापा। वो नीचे तेरा इंतजार कर रहा है। अरे तुम लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो भाई? जवाई आया है घर में, उसकी खातिर बातें नहीं करोगे? चलो 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 चलो। मक्खी जाएगी मुंह में। अरे तेरे जीजा जी आए हैं, उन्हें केक वेक नहीं खिलाओगे? हैं? चल भाग। हेलो मेहरा साहब जी, मैं सिमरन का पापा बोल रहा हूँ। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। आप जब भी हमारे घर आते हैं कभी कुछ नहीं लेते। अरे कम से कम ठंडा तो लीजिए। जी थैंक यू, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। और फिर ये मेरी बेटी का होने वाला ससुराल है। आई स्टिल रिमेम्बर, सिमरन के नाना जी जब हमारे यहाँ आते थे ना, तो पानी के ग्लास के नीचे भी 10 का नोट छोड़ जाया करते थे। ये तो बड़ी ज्यादती है, मैं इन बातों को नहीं मानता। वैसे ये क्या कम है कि आप हमें अपनी बेटी दे रहे हैं? सिर्फ बेटी नहीं, मेरी जिंदगी, मेरी जान, मेरा सब कुछ। आप ये कहकर हमें गिल्टी फील मत कराइए। सिमरन आपकी बेटी है और हमेशा आपकी बेटी रहेगी। जी वो कुछ डिसाइड किया है आपने? मतलब शादी कैसे, कहाँ? जैसे आप कहो। मैं चाहता हूं कि सिमरन को अपने घर से विदा करूं। यानी कि आपके बंगले से? वेरी गुड आइडिया। जगह भी काफी बड़ी है और डेकोरेशन भी अच्छी हो जाएगी। बाकी आप जैसा कहेंगे वैसा होगा। एक सिर्फ रिक्वेस्ट है। हाँ हाँ। वो शहनाई वालों की जगह। जी हाँ बिल्कुल। अरे शहनाई के बिना मजा ही क्या है शादी का? क्या सुर निकलते हैं, कलेजा चीर कर रख देते। यार हमारा पंडित बड़ा फ्रॉड निकला। अप्रैल 18 का मुहूर्त निकाला है शादी का, यानी कि आज से एक महीने बाद। एक महीना? सिर्फ 30 दिन? लो कर लो गल, आप इस शहर की बात कर रहे हो जी? चोपड़ा डेकोरेटर तो पूरे पंजाब में फेमस है जी। वैसे मैंने प्लेटफॉर्म की जगह तो आपको बता दी है, जिस पर लड़का लड़की खड़े होकर एक दूसरे को वरमाला पहनाएंगे। ओ पंडित जी तो अपने घर दे आदमी है जी, फटाफट शादी करा देंगे जी। हैं जी, अब बाकी बरातियों के खाने का इंतजाम जी वहां अपने करा देंगे जी वहां। वो अब राजी आपका आखिरी फंक्शन दुल्हन की विदाई है जी, वो तो घर से ही होगी ना जी। एक घर का गेट है जी, ठीक है जी। इस गेट को क्या पाई करेंगे जी, पूरा गुलाबों से फूलों से सजा देंगे जी, ठीक है। बड़ा ही खूबसूरत लगेगा, ठीक है जी। दुल्हन यहां से यूं बाहर निकलेगी, सामने गाड़ी खड़ी होगी। आजकल वैसे भी रोना धोना कम ही होता है ना जी। सामने गाड़ी में दुल्हन बैठी, गाड़ी स्टार्ट हुई और ये लो जी आपकी बेटी की होगी विदाई। लंदन से हमारे सब रिश्तेदार और फ्रेंड्स आ रहे हैं। पापा से कहना कि लेडी संगीत में हम सब आएंगे। जी आंटी। आंटी मैं तुम्हारी माँ हूँ। मम्मी कहो मुझे। मम्मी कितना मीठा लगता है तेरे मुंह से। मम्मी खुश रहे। जानती हो मैंने अपनी प्यारी बेटी के लिए क्या क्या कुछ सोचा है? वो ऊपर वाला फ्लोर है ना, मैंने तुम्हारे लिए पूरा नया बनाया है। नई नवेली दुल्हन के लिए सब कुछ नया। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ, चलो। पापा 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 पापा। क्या बात है भाई, आज हमारी बेटी बड़ी खुश नजर आ रही है। मैं बहुत खुश हूँ पापा, बहुत खुश हूँ। मेरा घर इतना सुंदर बना है, इतना सुंदर बना है। It's like a dream house, papa. ऊपर का पूरा फ्लोर मेरा है, मेरा अपना हॉल, मेरा अपना बेडरूम और एक छोटा सा किचन भी है। और मेरे वार्डरोब सिर्फ तैयार ही नहीं, सारे कपड़े लगे हुए हैं, हर ड्रेस के साथ मैचिंग शूज, पूरी फ्लोरिंग मार्बल की है। और बाथरूम बाथरूम तो इतना बड़ा है, इतना बड़ा है जैसे कि स्विमिंग पूल। आप भी देखेंगे ना पापा? क्या देख रहे हैं पापा?
क्या अब ये तेरा घर नहीं रहा बेटा? पापा अब कुछ ही दिनों में मैं भी पराया हो जाऊंगा। अरे अभी कल की तो बात है, इतनी सी थी तू, इतनी सी पूरे घर में भागती थी, यहाँ भागती थी, वहां भागती थी, छिप जाती थी, और मैं तेरे पीछे दौड़ता था, तेरे पीछे भागता था तुझे ढूंढने के लिए। उस वक्त तू मुझे मिल जाती थी बेटी, मगर अब पापा मैं छोटी सी बड़ी हो गई क्यों? पापा मैं छोटी सी बड़ी हो गई क्यों? पापा मैं छोटी सी बड़ी हो गई क्यों? पापा की निगाहों में ममता की बाहों, पापा की निगाहों में ममता की बाहों में कुछ दिन और रहती तो क्या बिगड़ जाता। पापा मैं छोटी सी बड़ी हो गई क्यों? पापा मैं छोटी सी बड़ी हो गई क्यों? गया वो बचपन, गए वो सपने, बेगाने हो गए सारे वो अपने। नन्ही सी तू गुड़िया मेरी, नन्हा सा वो झूला तेरा, जहाँ मैं घूमूंगा वहीं पे मुँह भूला तेरा। फिर तू बनाने का गले से लगाने का, दिल यही और रहते तो क्या बिगड़ जाता। पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई क्यों? पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई क्यों? जल्दी सजनी अब क्या सो
कुछ दिन और रहती तो क्या बिगड़ जाता। गुजरिया जिसे मिले मुझसे मिलाए, मिले में खोई गुजरिया जिसे मिले मुझसे मिला। बेटी पापा 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 सुनो बेटी, मुझसे मिलने आई बेटी, तू अपने पापा से मिलने आई। बेटे, तुझे इस तरह यहाँ नहीं आना चाहिए था बेटा। आपकी बहुत याद आ रही थी पापा, आपसे इस तरह बिछड़ना मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसीलिए मैं आपसे मिलने चली आई। तेरे ससुराल वाले क्या सोचेंगे आज की रात तेरा यूं इस तरह यहाँ आना, विक्रम तो बहुत बुरा मान जाएगा बेटा। नहीं पापा, मैंने बिल्कुल बुरा नहीं माना, क्योंकि मैं आप दोनों के प्यार को देख चुका हूं और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी बेटी को कभी आपके दिल से दूर नहीं होने दूंगा। जीते रहो बेटा, जीते रहो। मुझे आशीर्वाद दीजिए पापा कि मैं भी एक बेटी का बाप जरूर बनूं। हाँ बेटा, लेकिन एक बात याद रखना, ये बेटियां जो है ना, ये कमबख्त बहुत जल्दी बड़ी हो जाती है। ऐसी भी क्या जल्दी है, ऐसी भी क्या जल्दी, ऐसी भी क्या जल्दी है, ऐसी भी क्या जल्दी, अरे ऐसी भी क्या जल्दी है, ऐसी भी क्या जल्दी। जीना है अपने रंग, अपना तो हर मौसम है अपनी बहार। ऐसी भी क्या जल्दी है, ऐसी भी क्या जल्दी, अरे ऐसी भी क्या जल्दी है, ऐसी भी क्या जल्दी, ऐसी भी क्या जल्दी है, ऐसी भी क्या जल्दी, ऐसी भी क्या जल्दी है, ऐसी भी क्या जल्दी, ऐसी भी क्या जल्दी है,